इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाए। की अनाज मंडी में और मेरे साथ बिजली एवं अक्षय ऊर्जा जेल मंत्री हैं चौधरी रंजीत सिंह, और आज ये सिरसा जिले की सभी मंडियों में जाकर के सरसों की खरीद का जायजा लिया है। कुछ समस्याएं भी किसानों को आ रही हैं और उसको लेकर के हम चर्चा करें। तो सब आज आपने कालावाली, रानिया और तमाम जो छोटी मंडियां हैं डबवाली भी, सरसों की खरीद को लेकर के जायजा लिया, क्या कह रहे हैं किसान? काफ़ी दिक्कतें किसानों को आ रही हैं। कंप्यूटर में जिसका आएगा जब एंट्री पास होगा जी, तो जिसके पास 5 एकड़ गेहूँ है उसको 40 क्विंटल वो अपना बेच सकता है, जिसकी 3 है वो 25 बेच सकता है, मतलब 8 क्विंटल पर एकड़। ये किसानों की मांग थी कि 8 क्विंटल के हिसाब से कर दो, आज से खुल का बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब कर लो, पहली बार एक नया एक्सपीरियंस था पूरे देश में, 100 साल के बाद इस तरीके की तकलीफ आई। उसमें सारा जो ऑफिसर ने जो करा उस चंडीगढ़ में, खाली इसी उसका बेसिक ये था कि सोशली डिस्टेंस करो, एकदम क्राउड ना बढ़े। इस करके गांव में 3-3, 5-5 गांव पे मंडियाँ भी नहीं बना दी गई। अच्छा, वो सेटअप हुआ उसमें स्टेशन भी नया था, लोगों को भी थोड़ी सी आदत नहीं थी, लोगों को भी सीधा आड़तियों पे पहले आते थे, सीधा ही आ रहा था। पीछे क्या हुआ कि कुछ जगह मंडियों में ऐसा कर दिया लोगों ने कि कई जगह आड़तियों ने भी, जैसे आदमपुर में ये केस आम हो रहा था कि उन्होंने अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जो लिखा है उसके अलावा उन्होंने 5-5, 7-7 एकड़ और लिखा दिए। वो थी तो आड़तियों की गेम कि वहाँ से राजस्थान के ले लेते थे, अब तो सब जगह वो हैं। मैंने भी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कहा, सीएम साहब से कहा कि अब तो स्टेटों में नाके लगे हैं, कोई आदमी बिना डीएम की या डीसी की इजाज़त के बिना क्रॉस ही नहीं कर सकता, तो कहीं बाहर का दाना आने का मतलब नहीं। तो हमारे सीएम साहब ने भी क्लियर कर दिया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी करा, मैंने भी बयान कई बार दिए कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, तो सारी पूरी सरसों खरीदी जा रही है। आज यही बात अभय सिंह चौटाला ने भी कही है कि जिस तरह से लॉकडाउन है, सीमाएं सारी सील हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं आड़तियों को अधिकृत कर देना चाहिए सरकार को, ताकि आड़ती किसान के हिसाब से जो फसल है वो खरीद पाए। नहीं, आड़ती खरीदें कोई मना नहीं करता, पर इन आड़तियों का ये था ना कि ये कहते हैं हम पे लेबर नहीं है, ये 5 लेबर हैं, गाँव में जाएंगे नहीं, गाँव में फिर सरपंचों ने लेबर ढूंढ के अपने हिसाब से अरेंज करा, सब जगह परचेज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बिजली को लेकर के जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो बिजली को लेकर के जैसे आपने कहा कि सरचार्ज माफ़ किया जाएगा, क्या सरचार्ज काफ़ी रहेगा या इससे ज़्यादा जो है बिजली निगम कुछ और सोचे? कल भी ये क्लियर करा था कि हमने जो अभी 2 महीने का बिल बना के भेजा है उसमें सरचार्ज टोटल माफ़ है, किसी के नहीं लगेगा। और वो क्योंकि पहले से गवर्नमेंट का फैसला था कि जब तक लॉकडाउन रहेगा इस तक हम कोई भी किसी किसान से, किसी गांव से या जिनका डोमेस्टिक कनेक्शन है उनसे कोई सरचार्ज नहीं होगा, ये तो गांव के कनेक्शन की बात थी। और उस पर जो बिल गए हैं वो हमने भी उसमें कई जगह ये कहते हैं जी ज़्यादा बन के आगे देखे नहीं, क्योंकि कोरोना करके घर में हर एक घर को विजिट करना तो बंद कर दिया था। एक अंदाजे से पूरे साल में जब हम उसका पिछला डिटेल निकालते हैं तो सबसे कम जो बिल आता है 12 महीने में वो आता है फरवरी और मार्च का, क्योंकि ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, ना हीटर भी नहीं चलते और इधर एसी भी नहीं चलते, तो फरवरी मार्च का कम आ रहा है। तो पिछले साल फरवरी मार्च में जो एवरेज आ रही थी वही समझ के हमने 2 महीने का बिल भेज दिया। उसमें अगर किसी का 300 फालतू चला गया तो अगली बार में एडजस्ट हो जाएगा, अगर किसी का कम आ गया तो वो उससे अगली बार ले लेंगे, ये करके एक मोटा मोटा अंदाजा उस पर हुआ। पर वो जब समझा दिया गया तो लोग समझ गए। तो बिजली निगम किसानों को प्रॉपर तरीके से, और आगे जैसे चूंकि गर्मी का सीजन है तो बिजली निगम क्या योजनाएं बना रहे हैं? देखिए, हमारे पास अभी भी आज के दिन हमारे से 12,000 मेगावाट है, कोई बिजली की कमी नहीं है। हमारी जो रोज की कंजप्शन है वो 2600 मेगावाट है, हम पे 9,500 मेगावाट फालतू है, कहीं दिक्कत नहीं है। अभी जो हमने बंद करी है सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, वो केवल इस करके करी है कि किसानों की पूरी फसलें तैयार है। 2-3 जगह ऐसी घटना हुई, मेरे यहाँ रानिया में अबोली गांव में हो गया था, 7 एकड़ गेहूँ जल गई थी, भिवानी में एक जगह हो गया था, ये गरतिया में एक जगह हो गया था। तो ये करके आम किसानों के हमसे सबकी रिक्वेस्ट थी जवानी कि जी इन दिनों में थोड़ा सा टीका, तो हमेशा एक रेगुलर फीचर है, इन दिनों में बंद करा करते हैं। तो ये खाली मेरे ख्याल में 1 हफ्ते का और मामला है, जैसे ही फसल कट जाएगी हम पूरी बिजली देंगे, तो वो करके हमने करा, वो एक टेम्परेरी कट है 10 से 5, रात को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। कई बार नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे परसों अंधेरी आ गई थी शाम को, वो अंधेरी आने से जब तारे आपस में टकराती है तो नीचे कोई उसकी शॉर्ट कट होके सर्कट होके नीचे कोई बिजली की चिंगारी गिर जाती है, फसलें तबाह ना हो,
इस करके जैसी अंधेरी आती है फसलें पकी हुई है तो एक बार उसे बंद कर देते हैं, जितनी देर समय निकल जाए उसके बाद फिर ऑन हो जाए। तो सर लॉकडाउन के चलते, और ये कहूँगा कि आपको सिरसा जिला का प्रभारी बनाया गया, अब लोग किस तरह के एहतियात बरते या ये कहेंगे कि समाज सेवी संस्थाओं जिस तरह से काम किया उनको? पहले तो लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने आप को बड़ा सेल्फ कंट्रोल करके रखा अपने घरों में। मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया, हेल्थ सर्विसेज का तो सुपर रोल रहा है, और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो जिले का है वो दिन रात ये करें, सामाजिक संस्थाएं जो थी उन्होंने भी खाने का पीने का कभी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं कर दी। धन्यवाद सर। तो ये थे मेरे साथ बिजली अक्षर ऊर्जा चौधरी रोहित सिंह, लगातार हमारे साथ आप बने रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।